आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल बहुत ही स्वादिष्ट भंडारे वाली खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी और साथ में पूरी भी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और मैंने इसे खुले बर्तन में बनाया है। खुले बर्तन में ये बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है, बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है और गरम गरम पूरियों के साथ तो इसका अलग ही मज़ा आता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरप्रीत कौर किचन। कैसे बनानी है कद्दू की सब्जी, तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे 1 किलो कद्दू लिया है। मैंने कद्दू हमेशा आप छोटा ही लें और इस तरीके से साफ़ सुथरा हो, और इसे मैंने धो लिया है अच्छे से। अगर इसकी परत बहुत मोटी है तो आप उसे उतार दें, अदरवाइज़ आप इसे इसी तरीके से काट के तैयार करें। इसके बीज अगर मोटे हैं तो निकाल दें इस तरीके से, अगर बहुत सॉफ्ट हैं बीज तो आप रख सकते हैं। और ये मैंने कटिंग शुरू कर दी है कद्दू की, तो यहाँ मैंने सारे कद्दू के पीस काट लिए हैं, देखिए इस तरीके से, और इसको मैंने इस तरीके से चॉप किया है, ज़्यादा छोटे नहीं और ज़्यादा बड़े भी नहीं, तो हमने यहाँ पे मीडियम पीस करे हैं कद्दू के। यहाँ मैंने सारे कद्दू को काट के तैयार कर लिया है। और यहाँ मैंने देखिए 2 हरी मिर्च काटी हैं और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको ग्रेट कर लिया है। यहाँ कुछ खड़े मसाले लिए हैं मैंने, धनिया है साबुत, जीरा साबुत है, मेथी दाना है, लाल मिर्च है, तेज पत्ता है और लौंग है। ये सब मसाले हमारे खड़े मसाले हैं जो तड़के का फ्लेवर बहुत ही बढ़ा देंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, गैस पे रखी है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल लेना है फ्रेंड्स, सरसों के तेल में बहुत अच्छे बनती है सब्जी। तो यहाँ मैंने मेथी दाना डाल दिया है और इसके साथ ही जीरा भी डाल देना है। जीरे के साथ साथ हमने यहाँ पे क्रश जो धनिया रखा है, धनिया के बीज होते हैं, उसको भी क्रश करके डाला है। 3 इसमें मैंने लाल मिर्च ली है, 2 तेज पत्ता लिया है और 3 लौंग। सब मसालों को हमें इसमें डाल देना है। इन खड़ों मसालों का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है, इसे ज़रूर डालें कद्दू की सब्जी में। और यहाँ मैंने अदरक जो ग्रेट करके डाला है वो भी इसमें हमने मिला दिया है, हरी मिर्च भी मिला दी है। इस तरीके से थोड़ा सा हमें इसे भून लेना है, अदरक को ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। और यहाँ हमने कटी हुई जो कद्दू की सब्जी है वो डाल देनी है, इसको अच्छे से चला लेना है, मिक्स कर लें मसालों में। तो यहाँ हमने मसालों में मिक्स कर लिया है। कद्दू को पकाने के लिए हमें इसमें 1 चम्मच नमक डालना होगा ताकि ये अच्छे से पक जाए। और यहाँ हमें कोई पानी नहीं डालना है इसमें, और इसको अच्छे से चला के हमें इसे ढक के पकाना है। 2 से 3 मिनट इसे ढक कर पकाएंगे। ये सब्जी बिना प्याज और लहसुन के बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं वो इस तरीके से सब्जी बनाएं कद्दू की, और वे बहुत टेस्टी बनके तैयार होगी। और यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे एक बार चला लिया है और मैंने फिर इसे ढक के पकाया है। और यहाँ हमारी सब्जी देखिए, हमने पानी नहीं डाला है इसमें, लेकिन जो भाप का पानी होता है उससे ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है। और यहाँ पे हमारी फ्लेम है मीडियम टू लो है, और इसमें मैंने अब मसाले डालने हैं। हल्दी डाल दी है 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई वो डाल दें, और इसके साथ ही यहाँ पे हमने डाला है अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच ले लें, और इसके साथ ही धनिया पाउडर 1/2 चम्मच वो भी डाल देना है। देगी मिर्च डालेंगे एक अच्छे से कलर के लिए, और इसके साथ ही हमने यहाँ पे अदरक का पाउडर, सौंठ पाउडर जिसे कहते हैं, साथ में ही 2 पिंच यहाँ पे हींग डाल देनी है, और यहाँ पे गुड़ डाल दिया है 2 टेबल स्पून। फ्रेंड्स, यहाँ पे हींग मैंने पहले नहीं डाली है, क्योंकि ये जो अब डाली है हींग, इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मसालों के साथ ही हींग भी डाल दें। तो यहाँ पे हमारा गुड़ भी डल चुका है, और जो गुड़ का और अमचूर का जो टेस्ट इसमें कद्दू में आएगा मिक्स होके मसालों के साथ, बहुत ही खट्टी मीठी बढ़िया सी हलवाई स्टाइल हमारी ये सब्जी बनके तैयार होगी। जो गुड़ का फ्लेवर है, गुड़ की जगह आप इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर गुड़ नहीं है टेंशन नहीं है, आप चीनी डाल सकते हैं। और यहाँ हमने इसे ढक के 2 मिनट और पकाना है। सब्जी पक रही है तो आगे हमें पूरियाँ बनानी है। यहाँ मैंने आटा लिया है, जितनी आपने पूरियाँ बनानी हो आप उस हिसाब से आटा ले लें।
तो यहाँ मैंने आटा ले लिया है, इसको मैंने पानी डाल के अच्छे से मुलायम होने तक इसको मैंने गूंद लेना है। ज़्यादा मुलायम नहीं करना है हमें, थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे जैसे पूरियों का होता है, और इसके ऊपर हमें थोड़ा सा तेल लगा देना है या कोई भी कुकिंग ऑयल लगा के इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दें। तो यहाँ हमारा पूरियों का आटा लग के तैयार है। ढक के रखें इसे थोड़ी देर के लिए। सब्जी को देख लेते हैं कितनी बन गई है सब्जी। तो यहाँ मेरी सब्जी पक गई है, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी खट्टी मीठी सब्जी बन के तैयार है कद्दू की। तो यहाँ हम मैंने एक बार इसे और चला लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ ये पक चुकी है सब्जी। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे मेल्ट सी हो रही है। इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया है, फ्रेश धनिया काट के इस पे डाल दें अच्छे से, जो धनिया का फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आता है। हर सब्जी में धनिया मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मैं ज़रूर डालती हूँ। तो आप भी जब सब्जी बनाएं कोई भी तो धनिया ज़रूर यूज़ करें, एक अलग फ्लेवर आता है इसका। सब्जी पक चुकी है तो चलते हैं पूरियां बनाने। तो यहाँ मैंने आटा हमारा तैयार है आटा, और इसकी मैंने छोटी छोटी सी लोई बना के तैयार कर लेनी है। आप अपने हिसाब से पूरियां बड़ी बना सकते हैं छोटी, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से दो लोई बनाकर तैयार कर ली है। और यहाँ मैंने पूरी वाली मशीन पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, आप इसको ग्रीस कर लें अच्छे से। दोनों तरफ हमने ऑयल लगा के पूरी इस तरीके से रख के इसको प्रेस कर देना है अच्छे से दबा के, और ये हमारी पूरी बनके तैयार है। झटपट से पूरी जल्दी से इस पे बन जाती है। तो यहाँ मेरी दूसरी पूरी भी बनके देखिए तैयार हो गई है। इस तरीके से आप सारी पूरियाँ बना के तैयार कर लें। ये देखिए मैंने भी कर ली हैं सारी पूरियाँ तैयार, चलते हैं इन्हें तलने के लिए। तो यहाँ मेरा तेल गर्म है और मैंने इसमें एक पूरी डाली है, इसको अच्छे से फूलने तक पकाएंगे। तो यहाँ हमारी पूरियाँ भी तैयार हो रही हैं, उधर हमारी कद्दू की सब्जी बनके खट्टी मीठी हलवाई स्टाइल तैयार है, और यहाँ देखिए हमारी पूरी भी बन गई है। दूसरी पूरी भी मैंने डाल दी है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, तेल गर्म होने पर ही पूरी डालें, ठंडे तेल में पूरी ना डालें। और यहाँ हमारी दूसरी पूरी भी बनके तैयार है। तो इस तरीके से हमने सारी पूरियाँ बना के तैयार कर लेनी है। कद्दू की सब्जी के साथ पूरी बहुत अच्छी लगती है, तो आप इस तरीके से पूरी बना के तैयार करें और साथ में सब्जी, एक अलग कॉम्बो होगा ये पूरी और कद्दू की सब्जी का। तो यहाँ हमारी सब्जी भी तैयार है, पूरी भी तैयार है। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इसे ट्राई करें, कद्दू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पूरी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।